नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। इस वक्त सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत बिगड़ गई है। वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रावत को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया जाएगा, जहां उनको एम्स में भर्ती कराया जाएगा। हालांकि परिवार सूत्रों ने बताया है कि हरीश रावत की तबीयत ठीक है, डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें दिल्ली एम्स में लाया जा रहा है। दरअसल 24 मार्च को पूर्व सीएम हरीश रावत के परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस बात की जानकारी रावत ने खुद ट्विटर पर दी थी। उन्होंने लिखा, मैंने अपनी पत्नी, बेटी सुमिता रावत और पूरन रावत का टेस्ट करवाया था। हम सभी लोग संक्रमित मिले हैं। बता दें कि हाल ही में हरीश रावत कोरोना की पहली डोज लगवाई थी। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत को आज सुबह कुछ जांचों के लिए दून अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होने के बाद डॉक्टर ने उन्हें दिल्ली एम्स रेफर कर दिया है। अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें, पंजाब के प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2 दिन पहले डीएवी कॉलेज में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए थे। इससे पहले वो पंजाब से लौटे थे। यही नहीं, पंजाब से लौटने के बाद वो कोटद्वार समेत कई जगह पर कांग्रेस के सम्मेलनों में शामिल हुए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।